हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। आज आपके लिए जो है ये ब्रेड जो केबल होती है, बेसिकली इसे ब्रेड बोलते हैं, चुटिया कह लीजिए हिंदी में, जो हम चुटिया बनाते हैं अपने बालों की, या ब्रेड कह लीजिए। ये किस तरीके से बनाई जाती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर सी लगती है, अगर ये पूरी तरह से बनी हुई ढंग से हो तो ये कितनी प्यारी लगती है। तो चलिए बनाते हैं। ये बेसिकली 12 फंदों की होती है। आप चाहे तो ज्यादा भी रख सकते हैं, आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं। मैंने ये चार चार आठ चार 12 फंदों की रखी है। आप चाहे तो आप इसे बढ़ा भी सकती है, आप तीन फंदे भी रख सकती है, तीन तीन छः तीन नौ भी रख सकती है, आप छः छः 12 छः 18 भी रख सकती है। अगर ज्यादा चौड़ी चाहिए उस हिसाब से आप इसको कर सकती है। आप तीन फंदों का भी रख सकती है, चार फंदों का भी रख सकती है, पांच फंदों का भी रख सकती है। बस इसको देखना है कि आपको इसे बनाना किस तरीके से है। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ मेरे ख्याल से चार सलाइयों की है, चार से दो छः, छः सलाइयों की है। छः सलाइयाँ हमें रिपीट करते हुए जाना है और वो बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं। अभी मैंने देखिए 12 फंदों के हिसाब से, क्योंकि मैं यही बना रही हूँ, तो मैंने 12 फंदों के हिसाब से जो है ये फंदे डाले हुए हैं। अब पहली सिलाई तो मैं ऐसे ही इस तरीके से ही करूँगी, सारी उल्टी करती हूँ, पहली सिलाई वही की जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। पहला फंदा आप ऐसे ही उतारेंगे, दो फंदे उल्टे, ये आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिएगा। आप देखिए ये 12 फंदों का हमने बेसिकली इधर से उधर केबल करनी पड़ती है, तो फर्स्ट 8 फंदों को हम उतार देंगे। ये आपके चार और ये आपके चार, और पीछे के चार हम इस वाली राइट वाली सिलाई पे ऐसे ले लेंगे। आप चाहे तो इसे केबल भी स्टिच होल्डर भी यूज कर सकती हैं, और ये वाले फंदे हम लेफ्ट में लेंगे क्योंकि हमें ये वाले फंदे बाद में बनाने हैं और ये पहले बनाने हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से, और ये फंदे आप इस पे उतार लेंगी और इन्हें हम अब नॉर्मल बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये आठ। ये देख लीजिए ये आठ फंदे हमने कर लिए, बाकी के चार फंदे नॉर्मल, एक, दो, तीन और ये चार। तो ये 12 फंदे हो गए। धागा आगे करके दो उल्टे और एक सीधा। अब आपने उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बनाई जाएगी, जितनी भी उल्टी सिलाइयाँ आती है उसमें हम सारी उल्टी कर लेते हैं। उल्टी सिलाई कीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए अब आ जाइए इसकी नेक्स्ट लाइन पे। दो लाइनें हो गई, एक फंदा उतारा, दो फंदे उल्टे। अब पहले तो हमने ये वाले इधर किए थे, अब हमें पहले के चार फंदे सीधे बुनने हैं, एक, दो, तीन और ये चार। देखिए ये सीधे बुने। अब ये चार फंदे उतारिए और ये चार फंदे उतारिए, और इन चार को, जो फर्स्ट चार आपने उतारे हैं, उनको आप ऐसे लेफ्ट वाली सिलाई में लीजिएगा इस तरीके से, और जो ये बाद में चार उतारे हैं ये राइट वाली सिलाई में ऐसे लीजिएगा और इस पे लेफ्ट वाली पे चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हमें इन्हें बुनना है। ऐसे आपने लिया और इन्हें एक एक करके बुन दिया आपने, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और ये आठ। चार सलाई चार फंदे ऑलरेडी हम आगे बुन चुके हैं, दो उल्टे और एक सीधा। उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही आएगी।
देखिए इस तरीके से आ गई। अब आ जाइए, अब ये नेक्स्ट लाइन है हमारी। यहाँ पे हमें एक फंदा उतारेंगे, दो उल्टे करेंगे और सारे 12 के 12 फंदे सीधे बुने जाएंगे। इन्हें हमें कुछ नहीं करना है, 12 फंदे नॉर्मल बुनने हैं। दो फंदे लास्ट के उल्टे और एक फंदा सीधा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गई। यहाँ हमने अभी अब तक ये 6 लाइनें करी है। पहले हमने ये वाले मोड़े, उसके बाद ये वाले, और अब हमने कुछ नहीं मोड़ा। तो अब फिर अगेन वही फर्स्ट लाइन से करना है। बस इन्हीं 6 लाइंस को आपने रिपीट करना है। मैं एक बार बस बता देती हूँ। देखिए ये पहले के 4 फंदे उतारिए और इसके बाद के भी 4 फंदे उतारिए, और बाद वाले राइट साइड वाली में सिलाई में लेंगे हम इस तरीके से, और ये वाले लेफ्ट ऐसे। और इस तरीके से राइट वाले फंदे उतार के उन्हें बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। देखिए ये 4 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, और उल्टी लाइन सारी आपने उल्टी ही करनी है। ये देखिए इस तरीके से ब्रेड बननी शुरू हो गई, चुटिया बननी शुरू हो गई। यही 6 लाइंस आपने जो है दोहराते जाना है। अभी ये हमने पहली लाइन की है जो हमने पहले मैंने आपको बताई थी। अब हम सेकंड करेंगे और थर्ड में हम सारा सीधा बुनते हैं, उसमें हम कोई इधर से उधर फंदे नहीं करते हैं। ये देखिए अब आ गए सीधी लाइन पे। वही है अगेन, पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे उल्टे। अब पहले के 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, क्योंकि अभी इससे पहले हमने यहाँ पे ये मोड़ा था। तो पहले के 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 4। अब ये 8 फंदों में हमें इधर से उधर करना है। तो 8 फंदे उतार के पहले के 4 फंदे इस लेफ्ट साइड वाली में लेंगे आप, और बाद के 4 फंदे राइट साइड वाली सिलाई में लेंगे इस तरीके से, और इसे लेफ्ट में ले लेंगे क्योंकि हमें इसे बुनना है। इस तरीके से लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। दो फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा। तो देखिए ये इस तरीके से बननी शुरू हो गई। ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, देखिए ये बस अब यही 6 सिलाइयाँ आपने जो है रिपीट करनी है। अब उल्टी सिलाई तो सारी उल्टी आएगी, फिर अगेन हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 12 फंदे सीधे बनेंगे और फिर एक उल्टी आएगी, फिर अगेन हम जो है 6 फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। यानी कि वो 6 लाइनें हमें रिपीट करती जानी है। तो ये इस तरीके से जो है आपकी चुटिया बनती हुई जाएगी ऐसे। एक बार और मैं इसका लास्ट आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद आपने जो है ये 6 लाइनें रिपीट करते हुए जाना है। तो ये जो है आपकी चुटिया बन जाएगी, ब्रेड कह लीजिए, चुटिया कह लीजिए। रखने को आप इसे 16 फंदे भी रख सकते हैं, जितने मोटी आपने रखनी हो उस हिसाब से आप फंदों को डिवाइड कीजिएगा। बस करना यही है कि हमें 6 लाइनें ये वाली रिपीट करनी है। तो देखिए अब वाली में हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे और सीधा बनाएंगे और उल्टा भी सीधा बनाएंगे। देन अगेन हम पहली लाइन से जो है शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये चुटियाँ बनती जाएगी। आप इनको 6 को रिपीट करते जाइए तो ये ऑटोमेटिकली
बनती भी जाएगी। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। आप साइड्स में दो उल्टा रखना चाहे तो रखे, नहीं रखना चाहे तो कोई ऐसा वो नहीं है। देखिए ये रखा हुआ है तो किस तरीके से बना हुआ है ये। तो इस तरीके से जो है आपकी ये ब्रेड बनती भी जाएगी। चुटिया कह लीजिए, ब्रेड कह लीजिए, जो मैंने यहाँ कैप में डाली हुई है वही मैं आपको ये केबल बता रही हूँ। थैंक यू।